पहले तो जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी कि मैं रिसर्च साइंटिस्ट बनूंगी। मुझे बहुत ही शौक था ना कि मैं कुछ अपनी जो है ना रिसर्च कुछ करके मैं कुछ यू नो इन्वेंट करूं या कुछ यू नो इस किस्म से करूं। बट जब मैं बड़ी हुई तो जाहिर है आई यू नो टोटली किक दैट आइडिया अवे फ्रॉम माय माइंड। ये एक वक्त आता है कि जब प्रोड्यूसर या एक्टर मजबूर होकर कहता है कि अब अगर किसी का मोबाइल बजा तो फिर आपके ऊपर इतना फाइन होगा। अगर हाथ उठा हुआ बच्चों ने देख लिया तो उन्हें क्या मालूम कि ये हाथ किसी के गाल पे लगेगा, सर पे लगेगा, बदन पे लगेगा। तो मारने का जो तसव्वुर है ना वो मेरे घर में था ही नहीं। सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया तो ये प्रोग्राम है। मैं लिहाफ हूँ किसी और का, मुझे ओढ़ता कोई और है, मेरी बाबरा तो शरीफ है, तेरी बाबरा कोई और है। उसमें लिखा मैंने कि प्यारे बेटे तुम दरअसल बिस्तरे मर्ग पर पैदा हुए हो, दुनियावी जिंदगी तुम्हें मौका दिया गया है इलाज करवाने का, क्यामत के बाद पता चलेगा कि तुम सेहत याब हो गए या खुदाई मौत मर गए, इसलिए इलाज गाह की फीस कलमाए तैयबा अदा करके इसमें दाखिल हो जाओ, बवक्ते जरूरत इखलाकियात की गोलियां खाते रहे। बहुत खूब। रोजाना 5 इंजेक्शन ताकत के लिए लगवाना जरूरी है, फजर जोहर असर मगरब इशा। कहा यह जाता है कि हजरत अमीर खुसरो ने उसको ढोलक को के दो हिस्से करके वो तबला बना दिया। तो एक तो वो है कि जो बड़ा है वो उसमें एक बोल तो कालक पर कटता है, एक जो छोटा है वो चांट पर कटता है। क्या बात। तो वो ये अलहदा चीज है। बाकायदा उसका एक धीवत और कोमल और ये राग वाग जब होते हैं आपके तो उसमें सुर कौन सा लगना चाहिए, एमन राग में कौन सा सुर लगना चाहिए वगैरह वगैरह, ये तमाम कैफियत है। लेकिन तबले में तबला तो बहुत है, उसके आप देख लीजिए, उसके बोल देख लीजिए, धातिट्टे 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 तातिट्टे 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 धातिट के धातिटके धा धातिटके धा धातिट दागे ना धातिटके धातिट दागे तीना के ना धा। पाकिस्तान और चाइना के जितने मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना पॉजिटिव असर पड़ सकता है आइंदा आने वाले सालों में? देखिए जी, इसमें बहुत असर पड़ सकता है क्योंकि चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज की है और अब वहाँ जो चाइनीज इन्वेस्टर कंपनीज हैं उनको कहा गया है कि वो चाइना के बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करें। ताहयात पाबंदी, इतने यंग लड़के हैं। ठीक है, यंग लड़के हैं लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फेडरेशन जो है वो इंटरेस्ट देखती है पाकिस्तान का मेनली। हम वी टेक प्राइड कि हमारी वजह से या हमारे बॉक्सरों की वजह से पाकिस्तान का झंडा जो है वो सारी दुनिया में बुलंद होता है, पाकिस्तान का तराना जो है वो बजाया जाता है। अपोजिशन का ताल्लुक है तो हमने काफी इंतजार किया, राजा रफालक साहब तशरीफ फरमा है, उनके घर पे एक हमारी नशिस्त हुई और MMA और ARDA के मुआहदे पे पहुंचे जिसमें बुनियादी तौर पर 3 निकात थे। इस तरह से उसको आगे किया जाए। ये जो आपने कहा ना कि देखिए मैं आपको बताऊं कि ब्रांडिंग जो होती है ये ब्रांडिंग पहले मुल्क की होती है, आजकल आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर और दुनिया भर में मुल्क अपने आप को ब्रांड कर, आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया आजकल नाम ले सकते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया पूरी कैंपेन चल रही है इनकी। जब वो इनक्रेडिबल इंडिया होता है तो वहाँ वो अपनी बिल्डिंग्स को भी प्रमोट करते हैं, अपने आर्ट को भी प्रमोट, अपने कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, अपनी इकोनॉमी को भी प्रमोट करते हैं। वहाँ पे मुझे सेहतमंद देख के तकरीबन अपनी फैमिली तो बहुत खुश हुआ, बाकी अपने दोस्त और रिश्तेदारों के रवैयों में मैं चेंजिंग नहीं ला सका, उनके रवैये वही रहे। और इसके अलावा जैसे कि माली लेवल में कमज़ोरी है, अगर किसी के पास नौकरी के लिए या किसी मसले से जाओ तो ये HIV पॉजिटिव का मसला बड़ा हो जाता है हमारे लिए। आप ये जो बड़ा ख़तरनाक काम है ना एक तरह से देखा जाए, ये जो इंडस्ट्री है इसमें आप गन्स बनाते हैं और ये वो, इसकी हिफाजत का क्या इंतज़ाम है? मतलब कोई इस तरह का ख़तरा तो नहीं होता कि वहाँ ब्लास्ट हो जाए या नहीं? ये ऐसे लोग के जहन में आते हैं कि ये ख़तरनाक है, मेरे ये कोई ख़तरनाक काम नहीं है। अच्छा। अगर आप आ जाए तो उधर आपको सिर्फ लोहा और लकड़ी नज़र आएगा और तेज हवा वगैरह, कोई उधर इस तरह कोई बारूद वगैरह तो नहीं होता है वेपन बनाने में, ये तो कारीगरों का काम होता है, उधर कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ ऐसे लोगों के जहन में आता है कि ये ख़तरनाक है।